गुड मॉर्निंग भाइयों, आई होप आप सभी लोग का दिन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो अभी आज हम हैं खेत पे और आज हमारे खेत पे चल रही है गानी जो की है उड़दा, सोयाबीन और मूंग की। तो ये ब्लॉग आज का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हमें आज खेत पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आज हमारे खेत पे गानी कैसे हो रही है। और आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे थ्रेसर चल रहा है, तो मैं उसका भी वीडियो आपको ऐड कर दूंगा कि कैसे उस पर गानी होती है। बस थोड़ा उस पर वॉइस इशू आएगा क्योंकि थ्रेसर की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज रहती है जिस कारण माइक उसकी आवाज को कवर नहीं कर पाता है। तो अगर आप चैनल पे हैं तो नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लीजिएगा लाइक। आपके दोस्तों को अगर ब्लॉग देखना पसंद हो तो ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी हमें खेत पे और ये है हमारे खेत पे अभी सोयाबीन लगा हुआ जो कि अभी आया नहीं है, और जो थोड़ा बहुत सोयाबीन आ गया तो उसकी गानी चल रही है। और अभी वहां पे खड़ा हुआ है ट्रैक्टर जिसपे गानी हो रही है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये हमारे ऊपर वाले खेत पे भी ड्रिप की सटक बिछने का काम चालू हो चुका है, और ये इस तरफ नीचे पे बकरौनी हो गई है और थोड़ा सा बचा है तो उसको भी हम थोड़ी देर बाद आके बकर देंगे। और बस कहानी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और ये रहा कुछ कहानी का सीन। भाई हम पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर के पास और ये रहा कुछ यहाँ का सीन। देखो यहाँ से डालते हैं ये उड़दे को और उसके बाद उस तरफ से वो जहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ है वहाँ नीचे पे, वहाँ से उड़दा निकलता है और उस तरफ मीन्स नेक्स्ट साइड पे वहाँ पे भूसा वगैरह निकलता है जो भी उसका वेस्ट रहता है, छिलका वगैरह है, डंठल वगैरह। वो तो इस प्रकार से कुछ की जाती है गानी। और ये लगा है सोयाबीन, ये एक्चुअली लगा था लेकिन ये सक्सेस हुआ नहीं था तो इसके बाद इस पर कुछ लगाए भी नहीं थे, लेकिन ये बारिश होते रही कंटिन्यू तो उसके कारण ये उग गया है। बाकी ये लगाया नहीं गया था, मीन्स थोड़ा बहुत लगाया गया था लेकिन ये फैल गया है बहुत ज्यादा, मीन्स थोड़ा बहुत गिरने पे। हम पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले घर और अभी हम बस जा रहे हैं खेत को दूसरे ट्रैक्टर लेके पकड़ने को। और ये वाला रहा हमारा दूसरा ट्रैक्टर, ये सुना दिखा है, जा रहे हैं दूसरा खेत पकड़ने। तो भाई अभी हमने प्लाउ मारना चालू कर चुके हैं और ये प्लाउ चल रहा है अभी, और ये हमारा का पार्ट है और सामने का पार्ट कुछ ये रहा। उधर और भी आगे यहाँ से ऊपर पहाड़ वगैरह है, छोटे खेत दिख रहे हैं वो सब हमारे हैं। तो यहाँ पे हम उस दिन मार के गए थे लेकिन बारिश के कारण ये हम चले गए थे उस दिन, लेकिन अभी हम फिर से आए और आज इसको कंप्लीट करके जाएंगे। और हम आए हैं वेदांत के साथ, तो ये रहा वेदांत और अभी हम मार रहे हैं इसको प्लाउ। प्लाउ में मोस्टली पूरी जो मिट्टी रहती है वो नीचे तक पलट जाती है और उसके बाद हम इस पर रोटर बैटर मारेंगे जिससे कि ये पूरी मिट्टी ग्राइंड हो जाएगी अच्छे से, और फिर इस पर जो भी फसल लगाएंगे वो अच्छे से होगी और इसके जो भी न्यूट्रिशन है वो पूरे मिक्स हो जाते हैं। बेसिकली फंडस का ये रहता है, आप में जो भी यहाँ लोकल्स होंगे मेरे या फिर जो भी फार्मिंग से जुड़े होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि प्लाउ मारने के क्या फायदे होते हैं। तो भाई आपका खेत कौन से गांव पे है कमेंट करना मत भूलना। भाई अभी प्लाउ मारने का काम तो चल रहा है और अभी ये बजे हैं 4 और प्लाउ मारते हुए हमको जाएंगे ऑलमोस्ट 7 बज जाएंगे, तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं खत्म करना चाहूंगा क्योंकि खेत में और कुछ दिखाने लायक है भी नहीं, अभी फसल भी नहीं लगी, नहीं तो मैं आपको फसल भी दिखाता।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को कर लीजिएगा लाइक। और हाँ एक बात और, अभी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे भाई ब्लॉग इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है थोड़े, तो भाई अभी मैंने ब्लॉगिंग आपको मालूम है रिसेंटली कुछ ही मीन्स रिसेंटली एक महीने पहले ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको आया समझ में आया होगा कि मैं पहले कैसे ब्लॉग बनाता था और अभी कैसे ब्लॉग बनाता हूँ। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे तो ब्लॉग को जरूर लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाने की पूरी कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट एडिटिंग करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी जो भी ट्रिप्स होती है उनका मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू और ग्लिम्प्स उनके दिखाता रहता हूँ। तो बस आज के ब्लॉग में नहीं, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल ब्लॉग कर लीजिए लाइक, चैनल नए चैनल के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।